हाय गाइस, अभी सर्वे चैनल आज हम आए फिर एक टॉपिक लेके सर्वे सिविल राकेश चैनल में। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है बैक साइड कैसे होता है, वो उसका ओरिएंटेशन हम बताएंगे। जो साउथ हमारा इंस्ट्रूमेंट है, तो साउथ इंस्ट्रूमेंट हम आज दिखाएंगे आप लोगों को, एक्सप्लेन करेंगे जो है बैक साइड कैसे होता है, उसका कितने एरर आता है। चलिए इंस्ट्रूमेंट के पास जो हम चलते हैं। मेन पेज है, ठीक है, बाबेल भी कर लिया, तो देखिए बाबेल भी हमने इधर कर लिया सब कुछ, ठीक है। तो हम आ गया स्क्रीन पर, ठीक है। मॉडल नंबर है NTS 360R4L, ठीक है। ये पहले वीडियो भी हम बताया था, तो क्या करना है, एस्केप में आना है। एस्केप में आने के बाद आपको क्या करना है, इधर देखिए ये आप एस्केप में आ गया, ठीक है। एस्केप में आने के बाद स्टार में चला गया, स्टार में जाने के बाद टिल्ट करना है, ठीक है। तो टिल्ट में आइए, तो ये हमारा पॉइंट है, देखिए लेज़र जल रहा है। ये हमारा किला लगा हुआ है नीचे, देखिए किला लगा, इसमें ये देखिए लेज़र है, पॉइंट गिरा। तो इसमें P1 में आने के बाद X और Y को मैंने देखे 0 degree 00 minute 2 second और 4 second, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एस्केप में आ गया, एस्केप में आने के बाद मुझे क्या करना है, मेनू में जाना है, मेनू में चला गया। मेनू में जाने के बाद वन में आना है, डाटा कलेक्ट, वन में आ गया। तो वन में आने के बाद मेनू में आ गया, तो फिर एंटर करना है। एंटर करने के बाद क्या करना है, प्रोसेसिंग इनपुट बैक साइड FS, प्रोसेसिंग इनपुट में आना है। तो एक नंबर पे जाओ, फिर क्या करना है, जगह इनपुट सर्च RES OCC, तो OCC में एंटर किया। OCC के एंटर करने के बाद उसके बाद NEZ, तो हमने कोऑर्डिनेट को अब पुट करेंगे। तो पहले हम नॉर्थिंग को डालेंगे, तो नॉर्थिंग क्या है, 2519726932, ठीक है। तो इधर क्या है, 5172022.247, ठीक है। तो 5172022.247, ठीक है। तो एंटर कर दिया, एंटर, ठीक है। एंटर करना होता है रिकॉर्ड इंस्ट्रूमेंट हाइट देना है तो दीजिए, ठीक है। तो हम इंस्ट्रूमेंट हाइट, जैसे ये जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो इधर क्या करना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे दिया, ठीक है। तो इसमें आपको अगर इधर करना है तो इधर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड कर लीजिए। तो उसके बाद यस मतलब आपका ये जो मशीन लगा है ना इधर, इसका आपका कोऑर्डिनेट इसका इनपुट हो गया। उसके बाद क्या करना है, बैक साइड दो नंबर पर आइए, दो दबाइए। तो उसके बाद क्या करना है, जो BS है ना, BS दबाइए। उसके बाद NEZ, एंटर भी नहीं करना, इनपुट लिस्ट इसमें नहीं जाना, NEZ इसमें आइए। इसमें आने के बाद आपको फिर कोऑर्डिनेट हम पुट करके देखा पाए, देखिए S1 को हम पुट करेंगे, ठीक है। तो S1 हमने पुट करने के बाद नॉर्थिंग पहले देंगे, ठीक है। तो पहले हम नॉर्थिंग क्या आया, 2519735.104। उसके बाद क्या करना है, ईस्टिंग देना है, तो ईस्टिंग 5171999.888। उसके बाद क्या है, एंटर करना है, एंटर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मेज़र, तो हमने ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है, तो हम टारगेट कर रहा हूँ, हमने मेजर इसको हमने टारगेट कर लिया। उधर थोड़ा पिज़ोमैन को देखा दो, तो टारगेट कर लिया। तो उसमें क्या करना है, मेज़र करना है, तो NEZ, ठीक है। तो इसमें देखिए वो कितना था, 5171, ठीक है, 5171999888 आ गया, 2519735.104, मतलब ये हमारा ओरिएंटेशन 00 है। तो हम क्या करना है, तो हमने अभी इसको पॉइंट हमारा सही है कि नहीं, अभी वो हम थोड़ा देखा देते हो। तो तुरंत क्या करना है, तो देखिए आप इधर भी आ सकते हैं, 3 नंबर में भी आ सकते हैं, इधर आके NEZ कीजिए। तो देखिए ये भी हमारा, ये भी दे दिया, ठीक है।
105 1 mm, ठीक है, 7375104 और देखिए 888। तो फिर हम एक बार टेकआउट करके इसको देख लेंगे। तो दो नंबर में चला गया, एंटर की एंटर कर दिया, ठीक है, लेआउट पीटी तीन नंबर में आ गया। लिस्ट में आना है, लिस्ट में आने के बाद आपको व्यू करना है, एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपको इसमें ईस्टिंग और नॉर्थिंग को दे देना है, ठीक है। तो एंटर, यस एंटर गाइड, ठीक है। तो इसमें हमारा लेआउट करके थोड़ा देख लेंगे हमारा कितना इसका एरर आया, ठीक है। देखिए 2 mm, मतलब ये हमारा पॉइंट जो है पूरा परफेक्ट है। बैक साइड का हमने देखा दिया, ये बैक साइड कैसे होता है। साउथ इंस्ट्रूमेंट में, साउथ इंस्ट्रूमेंट बहुत कॉमी कंपनी में मिलता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन पूरा अलग है, जैसे आपका लाइका सोफिया ये सबसे, ये मतलब पूरा इसका जो फंक्शन आप लोगों को देखा पूरा अलग है। तो अगर इसको सीखना है तो चैनल में बना रहिएगा, इसमें लाइक और शेयर इसको ज़रूर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।